हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मयंक शर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने 1993 में खेली गई एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी विश्वनाथन आनंद और आई थिंक स्पेनिश ग्रैंड मास्टर फेलिक्स इज द टेक्सा बरी के साथ के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं, बड़ी गजब की गेम है। यहाँ e4 के साथ आनंद ने शुरू किया, d6 यहाँ पे डिफेंस फेलिक्स ने खेला, d4, नाइट f6, नाइट c3, देन हुआ c6, तो f3 यहाँ आनंद ने किया, e5, देन मेरे ख्याल से यहाँ d takes e5 की ऑप्शन बुरी नहीं थी फॉर व्हाइट। क्यों? d takes e5 जब ब्लैक करता है तो qxg8 और यहाँ ब्लैक का कैसल चांस खत्म हो सकता था, तो यहाँ व्हाइट को एक स्लाइट एडवांटेज मिलता। लेकिन यहाँ हुआ था bishop e3, bishop e7, क्वीन गई d2 स्क्वायर पर। इसके बाद दोनों साइड ने कैसल किया, फेलिक्स ने शॉर्ट साइड और आनंद ने लॉन्ग साइड, b5 देन g4, दोनों ने पॉन थ्रस्ट शुरू कर दिया है। e takes d4, qxd4। फ्रेंड्स, ये थोड़ा रिस्की मूव लगा, क्योंकि अब यहाँ ब्लैक चाहे तो अपने पॉन्स को विद एडवांटेज वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन बिशप को e6 स्क्वायर पर पहले यहाँ ब्लैक ने लिया। ब्लैक की प्रॉब्लम है, खैर वही प्रॉब्लम व्हाइट की भी है कि अभी कुछ पीसेज टच भी नहीं हुए हैं g5। लेकिन उससे पहले आनंद ने किया, नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया e8 स्क्वायर पर, देन हुआ f4, तो क्वीन गई a5 स्क्वायर पर, अटैकिंग दिस a2 पॉन, देन a3। यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ेगा। मैं काफी देर से यहाँ इस सी पॉन के आगे पुश होने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन फेलिक्स ने अभी तक भी इस सी पॉन को आगे पुश नहीं किया। उन्होंने यहाँ अभी भी एफ पॉन को आगे पुश किया, e takes f5, bishop takes f5, और bishop takes f5 होने के बाद अब क्या होगा, ये बिशप देखते हैं, knight@g goes to e2, देन knight c7, knight g3, बिशप पर अटैक बना, तो बिशप गया g4 स्क्वायर पर और यहाँ इस रुख पर अटैक बनाया। पहली नजर में मुझे ऐसा लगता है कि आनंद को अपने बिशप को e2 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप एक्सचेंज ऑफर कर लेना चाहिए, और जो मूव्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं जैसे c5 का, क्वीन पर अटैक बनता, क्वीन d3 स्क्वायर पर जाती और उसके बाद bishop takes e2, knight takes e2 वगैरह वगैरह, इस तरह से ही गेम आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ हुआ bishop d3 और आनंद ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया अपने रुक को बचाने पे। लेकिन उससे पहले हुआ d5 और फ्रेंड्स, यहाँ ये d5 मूव क्यों आया है, क्योंकि यहाँ व्हाइट की इंटेंशन थी अपनी क्वीन को e4 स्क्वायर पर ले जाकर ऑलमोस्ट चेक मेटिंग थ्रेट बनाने की, यू कैन से दैट, या बिशप भी जा सकता था यहाँ इस g6 स्क्वायर पर। लेकिन f5 पहले यहाँ व्हाइट का मूव था और f5 होने के बाद हुआ bishop takes d1, knight takes d1, मेरे ख्याल से व्हाट अबाउट दिस rook takes d1, देन क्वीन एक्सचेंज हो सकती थी। चलिए छोड़िए, वही देखते हैं, यहाँ इस गेम में हुआ था, यहाँ हुआ था knight takes d1। और यहाँ knight takes d1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ व्हाइट की इंटेंशन क्लियर है कि वो यहाँ अपने पॉन्स को 6th रैंक में बहुत जल्दी पहुंचाने वाले हैं। शायद ब्लैक भी इस काम को कर सकता था, c5 अभी भी एक ऑप्शन थी, लेकिन अगर इस पॉइंट पर c5 होता है तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ व्हाइट अपने क्वीन को g4 स्क्वायर पर ले जा सकता है और उसके बाद फर्दर इन पॉन्स को आगे पुश कर सकता है। पर यहाँ हुआ था bishop d6, बिशप के d6 स्क्वायर पर आने के बाद आनंद ने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को रखा 4th रैंक में ही h4 स्क्वायर पर, और शायद यहाँ क्वीन a4 ब्लैक को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए था, गेम इक्वल रहती है। हम ऐसा क्यों कह रहा हूँ, शायद कुछ मूव बाद क्लियर हो जाए। यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को e8 स्क्वायर पर रखा, देन बिशप गया d4 स्क्वायर पर, क्वीन गई c7 स्क्वायर पर, और क्वीन के c7 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए देखते हैं, पहले हुआ f6 और g6 वॉज द बेस्ट मूव, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह से जी फाइल नहीं ओपन होनी चाहिए थी और यही गलती शायद फेलिक्स ने की। उन्होंने यहाँ g takes f6 किया, g takes f6, जी फाइल ओपन यहाँ आनंद को मिल चुकी है, और अब क्या c5 की ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता है, शायद थोड़ा लेट हो चुका है। चलिए यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं, तो अब व्हाइट यहाँ, व्हाइट को कोई जरूरत नहीं है इस बिशप को बचाने की, वो यहाँ पहले कर सकता है knight f5। knight f5 करने के बाद आप कह सकते हैं कि बिशप पर अटैक बनेगा, वट एवर इट इज, जिस भी तरह से ये गेम आगे बढ़े। चलिए ब्लैक के लिए कर लेते हैं कि वो यहाँ bishop f4 चेक करता है, लेकिन उसके बाद king b1 स्क्वायर पर जाएगा, बिशप गया आनंद का, लेकिन यहाँ रुक की एंट्री आती है, होगा rook g1 चेक, king f7 स्क्वायर पर जाएगा, देन queen takes h7 चेक, पूरे गेम लगभग चेकमेट तक पहुंच जाएगी, लेट अस सी। देन knight e5 स्क्वायर पर, देन rook e1 चेक, तो बिशप लग जाएगा बीच में, देन knight takes d4 विद चेक, king d6,
फ्रेंड्स बहुत मुश्किल गेम मेरे हिसाब से, और यहाँ फॉक लग रही है। ओके, नाइट एक्स बी फाइव चेक, किंग क्वीन पर फॉक हो गई, तो काफी फोर्सफुल यहाँ सीक्वेंस रहने वाला है। तो बहुत मुश्किल स्थिति है यहाँ पर मेरे ख्याल से फ्लैग एक्स के लिए। उन्होंने यहाँ डिसाइड किया कि वो अपने रुक को एफ सेवन स्क्वायर पर रखेंगे, लेकिन ये भी आगे जाकर ब्लंडर ही साबित हुआ, क्योंकि आनंद ने यहाँ किया रुक जी वन, वही उनका मूव था। और अगले मूव में क्या होगा, क्या ये डिस्कवर्ड चेक आएगी, अब किस तरफ से आती है वो देखते हैं। यहाँ किंग को एच एट स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया, लेकिन हुआ बिशप टेक्स एच सेवन, और फ्रेंड्स आई थिंक इसी मूव पर रेजिग्नेशन किया जा सकता था, लेकिन यहाँ फेलिक्स ने किया रुक टेक्स एच सेवन और क्वीन पर अटैक बना, पर लेकिन उससे पहले हुआ एफ सेवन डिस्कवर्ड चेक फ्रॉम दिस बिशप, और अगले मूव में अपने क्वीन प्रमोशन की तैयारी। ब्लैक की प्रॉब्लम कि वो कभी भी अपने इस नाइट को टच ही नहीं कर पाया। चलिए, नाइट गया जी सेवन स्क्वायर पर, और इसके बाद आनंद का फाइनल मूव था बिशप टेक्स जी सेवन विद चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फेलिक्स ने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, क्योंकि अब यहाँ ब्लैक को फोर्स मूव है किंग टेक्स जी सेवन, उसके बाद हो अगर यहाँ से ही हम आगे बढ़ती है तो नाइट एफ फाइव चेक होगा। अब ये किंग कहाँ जाएगा, किंग के जाने के लिए दो ही स्क्वायर है आई थिंक, या तो यहाँ किंग टेक्स एफ सेवन हो या ये किंग एफ एट स्क्वायर पर जाए। चलिए रखते हैं, अगर किंग जाता है एच एट स्क्वायर पर तो उसके बाद होगा रुक जी एट चेक एंड दैट्स एन मेट, और अगर ब्लैक यहाँ अपने किंग को एफ फाइव में लेकर जाए किंग टेक्स एफ सेवन और या किंग एफ एट, तो यहाँ होगा क्वीन टेक्स एच सेवन, किंग ई सेवन स्क्वायर पर ही जाएगा, देन होगा नाइट डी फोर चेक, और नाइट के डी फोर चेक होने के बाद किंग एफ सिक्स स्क्वायर पर अगर यहाँ जाता है तो एफ फाइव चेक होगा, क्वीन के एफ फाइव स्क्वायर पर चेक के साथ किंग के लिए ई सेवन स्क्वायर ही बचेगा, देन क्वीन ई सिक्स चेक, किंग डी एट स्क्वायर पर रुक जी एट चेक, बिशप एक बार को बीच में लग भी गया, देन रुक टेक्स एफ एट चेक एंड दैट्स एन मेट, पूरा फोर्स सीक्वेंस है जब यहाँ आनंद ने बिशप से नाइट को लिया था। तो फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम मयंक शर्मा जी ने हम सभी लोगों को बताई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।